सो गाइस, ये कॉर्पोरेट वीडियो है विद आईजी गॉड साहब, जिनके इंस्टाग्राम पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लेना इनको। ये इनका इंस्टाग्राम पेज, ये अच्छे वेक्टर आर्टिस्ट प्लस एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर भी है। सो जाके इनको फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। एंड देन ये है इनका यूट्यूब चैनल, इनके 1K सब्स होने वाले यूट्यूब पे। सो जाओ इनको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो, अच्छा कंटेंट देते हैं, जाओ सब्सक्राइब करो। सो ये जो वीडियो है फुल्ली डिटेल्ड वीडियो है, मतलब आपको एक एक पार्ट समझा रखा है। सो अगर आप इस वीडियो को केयरफुली देखते हो तो 100% आपको कार्टून आते फिर एनिमे लोगो बनाना आ जाएगा। सो अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी तो अदर वीडियोज भी चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद गॉड साइबर। So before starting our video, I would like to thanks Myred GFX for this collaboration. तो हमें जो कस्टम एनिमे लोगो बनाने के लिए जो एप्लीकेशन चाहिए उसका नाम है इनफाइनाइट डिज़ाइन ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म एंड मे बी इनफाइनाइट पेंटर ऑन iOS प्लेटफॉर्म। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। तो रेफरेंस इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर जो 3 डॉट्स है उनके ऊपर टैप करना है, देन इम्पोर्ट पर टैप करना है, देन गैलरी पे। तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और आपको जो फोटो है वो इंपोर्ट कर लेनी है। तो अब आपको जो रेफरेंस है उसको ट्रेस पे सिलेक्ट कर लेना है एंड देन जो डाउन में टिक का मार्क उसके ऊपर टैप कर लेना है। एंड अब आपको जो ब्रश है रफ स्केचिंग के लिए आपको यूज़ करना है हेयर लाइन, तो नीचे आपको जो ब्रश है वो मिल जाएगा। तो हमारी जो लोगो डिज़ाइनिंग उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ रफ स्केचिंग, देन इंकिंग एंड देन कलरिंग। तो रफ स्केचिंग के लिए हम जो हेयरलाइन ब्रश है उसका यूज़ करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग रफ स्केचिंग तो आपको एक ऑप्शन भी इनेबल करना है। उसके लिए आपको जो कंपास वाला बटन है उसके ऊपर टैप करना है एंड लेजी वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो इससे होता क्या है, जब आप ड्रॉ करते हो तो आपकी जो लाइंस है वो नीट एंड स्मूथ ड्रॉ होती है। तो अब आप अपने फिंगर्स या थंब का यूज़ करके आपको बस लाइंस ड्रॉ करनी है, रफ लाइंस अपनी लोगो का रेफरेंस लेते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितना आपकी रफ स्केचिंग बढ़िया होगी उतना ही आपका मेन लोगो बढ़िया होने वाला है और उतना ही बढ़िया आपका फाइनल आर्टवर्क होने वाला है। तो बस आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि आपकी जो रफ स्केचिंग है वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो। तो अब आप जो मैं ये स्पीड आर्ट कर रहा हूँ तो उसको आप जस्ट ऑब्जर्व करें किस टाइप से मैं ये वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फेस की आउटलाइनिंग है वो डन करनी है आपको। तो जो आउटलाइनिंग है डन होने के बाद आपको क्या करना है, जो नोज़ आइज़ एंड माउथ है उनकी जो पोजीशनिंग है उनको डिफाइन करने के लिए जस्ट आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। तो जो ये वाला लोगो इसके अंदर जो आई वाला पार्ट है वो तो है नहीं, क्योंकि जो मेन रेफरेंस है उसने गूगल्स पहन रखे हैं। तो मैं गूगल्स का जो आउटलाइनिंग है वो डन कर लेता हूँ। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि जो ये वाला पार्ट होता है लोगो डिज़ाइनिंग का, जो रफ स्केचिंग है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इससे वीडियो की लेंथ भी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जस्ट आप इसको ऑब्जर्व करें कैसे मैं इसको डन कर रहा हूँ लोगो। तो आप इस पर बस ऑब्जर्वेशन लेते रहें। तो मिलते हैं बस ये वाला रफ स्केचिंग डन होने पर। तो हमारा जो पार्ट 1 है रफ स्केचिंग का तो वो कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम पार्ट 2 के अंदर एंटर कर चुके हैं, जो कि है इंकिंग का। तो अब आपको क्या करना है, जो ऊपर कंपास का आइकन उसके ऊपर दोबारा टैप करना है एंड जो
पेन टूल है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए जो तीन डॉट्स बनाए हुए हैं तो वैसा आइकन यहाँ पे आ चुका है। तो इसे पेन टूल बोलते हैं इस इन्फिनिट डिज़ाइन के अंदर। तो उसको हम यूज़ करके अब हमको जो आउटलाइनिंग है वो कंप्लीट करनी है। एज़ यू कैन सी दैट जो इंकिंग वाला पार्ट है हम लेयर टू के ऊपर कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपका सारा वर्क है एक लेयर पे ना हो, आपको अलग अलग लेयर यूज़ करके आपको डन करना है। तो जो इंकिंग वाली लेयर है उसको मैं लेयर टू पे ले रहा हूँ एंड जो लेयर वन है उसके ऊपर हमने रफ स्केचिंग की हुई है। तो आपको इस चीज़ का को बड़ा इंपॉर्टेंस देना है कि जो आप वर्क करें उसको लेयर बाय लेयर करना है। तो एक ही लेयर पर आपको कंप्लीट वर्क नहीं करना है। तो आप ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं इसकी आउटलाइनिंग कर रहा हूँ। तो आपको बस पेन टूल का यूज़ करके आपको आउटलाइनिंग करनी है। तो अब आपको क्या करना है, जो पेन टूल है उसको आपको लीव कर देना है एंड फिर से आपको लेज़ी सिलेक्ट कर लेना है एंड जो बॉल पॉइंट पेन है उसको हटा के आपको लासो वाला ब्रश है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फिर से पेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ जो हमको आउटलाइनिंग लेनी है वो बिल्कुल स्मूथ चाहिए। तो जैसे जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ पेन टूल का, आप बिल्कुल ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें कैसे यूज़ कर रहा हूँ। जो यहाँ पे जो डॉट्स हैं तो वो हमारे पेन डॉट्स हैं। तो अगर उनके ऊपर आप डबल टैप करते हैं तो वो बिल्कुल कर्व हो जाते हैं एंड फिर से आप उसके ऊपर टैप करते हैं तो वो बिल्कुल शार्प एजेस वाला क्रिएट हो जाता है। तो हमको जो पेन टूल है उसका यूज़ करके तो हमको प्रिसाइजली जो कलर है उसको फिल आउट कर देना है। तो मुझे पता है कि आपको फर्स्ट टाइम में ये वाली ऐप समझ में नहीं आने वाली, तो पहले मैं आपको एक टिप दे दूं कि आप सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करें, देन एक बार जो सभी टूल्स हैं उनको एक बार यूज़ करके देखें, देन आप वीडियो को दोबारा वॉच करना तो आपको ये वीडियो है वो बढ़िया तरीके से समझ आने वाली है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पहले उस ऐप को डाउनलोड करें, देन एक बार उसको यूज़ करें, देन आपको जो उसकी वर्किंग है उसको आप थोड़ा सा समझें तो आपको ये वाला ट्यूटोरियल बड़े ईजी तरीके से समझ में आने वाला है। तो मैं जल्दी से जो इंकिंग वाला पार्ट है उसको भी डन कर देता हूँ। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा स्पीड जो है उसको थोड़ा मैक्स कर देता हूँ तो आपका और हमारा जो टाइम है वो कंज्यूम होने से बचेगा, तो और वीडियो की लेंथ है वो भी थोड़ी शॉर्ट रहेगी। तो मैं जल्दी से इसकी स्पीड है वो मैक्स आउट कर देता हूँ। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि ऐसे ट्यूटोरियल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड हार्ड वर्क लगता है। तो प्लीज़ एक बार जो लाइक वाला बटन उसको ज़रूर प्रेस कर देना। तो हमारा जो नोज़ वाला पार्ट है उनको भी हम पेन टूल का यूज़ करके उनको भी हाईलाइट कर देते हैं एंड जो माउथ है उसके लिए जस्ट मैं एक सिंपल सी लाइन रखने वाला हूँ और उसको सेंटर से कर्व दे दूँगा। तो हमारा जो लोगो डिज़ाइनिंग का पार्ट टू है इंकिंग वाला तो वो भी अब डन हो चुका है। अब हम पार्ट थ्री के अंदर एंटर कर चुके हैं जो कि है कलरिंग का। तो हमें जो पेन टूल है एंड जो लासो ब्रश है उसको यूज़ करके हमको जो लोगो उसके अंदर हमको कलर फिल कर देना है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पहले वाली लेयर यूज़ की थी हमने जो इंकिंग के लिए और आउटलाइनिंग के लिए, तो उसके नीचे ही आपको न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है और उसके ऊपर ही आपको कलर करना है। तो जिससे क्या होगा, जो कलर है वो आउटलाइनिंग को ओवरलैप नहीं करेगा और उसके अंडर में ही वर्क करता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो ग्रेडियंट टूल है उसका यूज़ करके जो गूगल है उसके अंदर मैं रेड कलर का एक ग्रेडियंट दे रहा हूँ जिससे जो स्पेक्स है और गूगल है उसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। तो दोनों साइड में ग्रेडियंट का यूज़ करके जल्दी से इसको भी डन कर देता हूँ। एज यू कैन सी दैट ग्रेडियंट होने के बाद जो गूगल है वो कितने कूल लग रहे हैं। तो जस्ट इसी के लिए मैंने ग्रेडियंट टूल का यूज़ किया। तो एज यू कैन सी जो मैं स्पेक्स की आउटलाइनिंग वो मैंने डिफरेंट किया ताकि उसके अंदर कलरिंग थोड़ी इजी हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, जो स्किन कलर के लिए हम क्या करें, एक कलर पैलेट इंपोर्ट कर लेनी है
तो यहाँ पे जो मैं कलर पैलेट यूज़ कर रहा हूँ वो स्लैक्सिप बाई के, तो उन्हें से मैंने जो वेक्टर आर्ट है वो सीखा है। तो आप उनका चैनल भी जरूर विजिट करना, बहुत बढ़िया टीचर है वेक्टर आर्ट के। तो मैंने उन्हीं से ही ये सभी वेक्टर आर्ट बनाने सीखे हैं, तो उनकी ही मैं वो कलर पैलेट यूज़ कर रहा हूँ स्किन के लिए। तो जो रेड कलर वाली है वो होती है लिप्स के लिए, एंड जो ब्राउन कलर वाली है वो होती है स्किन की। तो यहाँ पर आपको स्किन की सभी शेड्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं फिर से अंडर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ आउटलाइन के नीचे, और जो स्किन कलरिंग का वर्क है वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ यूजिंग लेजी। तो जो कलर पैलेट है उसके अंदर आपको जो डॉट वाला कलर दिख रहा, तो वो हमारा जो बेस कलर होता है, तो उसको हमें फिल आउट कर देना है सारी जो स्किन है उसके अंदर। तो कलर पैलेट से क्या होता है, जो आपका स्किन का कलर है वो एवरी टाइम सेम रहता है, जस्ट आपको क्या करना है पिकअप करना होता है कलर, बस आपको शेड्स ऑटोमेटिकली है वो बनती रहेगी, आपको कलर एवरी टाइम आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं जो लेज़ी है उसका यूज़, लेज़ी एंड लासो का यूज़ करके इसके अंदर जो कलर है उसको भी फिल आउट कर देता हूँ। तो हमारा जो बेस कलर है स्किन का वो फिल आउट हो चुका है, जस्ट हमें एक न्यू लेयर ऐड करनी है जस्ट यूजिंग प्लस आइकन। एंड हमें अब क्या करना है, जो सेकंड वाला डार्क कलर है उसको पिकअप कर लेना है, एंड सेकंड वाली लेयर उसके अंदर फिल आउट करना है। तो जो डार्क वाला कलर है उसको हम एज ए शेडो यूज़ करने वाले हैं लोगों के अंदर। नाउ यूजिंग इरेजर टूल जो अननेसेसरी पार्ट है उसको हम इरेज कर लेते हैं, एंड प्रिसाइजली जो शेड है उसको हम कट आउट कर लेते हैं जो अननेसेसरी पार्ट है हमारी शेडो का। तो जो शेडो उसके अंदर मैं थोड़ा सा कर्व रख रहा हूँ, ऐसा थोड़ा सा 3D फील आए जस्ट उसी के लिए। Now we have to create some shadow effects in nose, so we can use pen tool and that dark color for coloring in nose, and जो nose का side वाला part है जो shadow से cover होने वाला है, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा triangular shape के अंदर एक shadow create कर देता हूँ। तो इतना करने के बाद आप देख सकते हैं जो लोगो है उसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो चुके, थोड़ा सा 3D लगने लगा है। अब हमें क्या करना है, जो लेजी वाला टूल है उसको यूज़ करते हुए हमें जो गूगल्स पैन रखे हैं रेफरेंस में, तो उसके अंदर एक शेडोज़ इफेक्ट क्रिएट करना है। जस्ट आपको प्रिसाइजली जो शेडो उसको क्रिएट कर देना है। सो गाइस जो हमारा शेडो वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लोगों के अंदर जस्ट हाइलाइट्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, वाइट कलर को पिक कर लेना है, एंड जो ब्राइट साइड है लोगों की उसको वाइट कलर से जस्ट लाइंस या स्ट्रिप्स क्रिएट कर देनी है, जस्ट उसके अंदर एक हाईलाइट वाला इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो जो हमारा अननेसेसरी पार्ट है इरेजर का यूज़ करके उसको भी हम कट आउट कर लेते हैं। एंड जो वाइट पार्ट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लग रहा, तो जस्ट आपको जो वाइट हाईलाइट की जो लेयर है उसकी जस्ट आपको ओपेसिटी डाउन कर देनी है, तो उसका जो वाइट पार्ट जो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा तो वो थोड़ा कम हाईलाइट होगा।
सो अब जो हमारा लोगो का डर बना वो ज़्यादा सिंपल है, तो उसके अंदर एक बढ़िया सा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेड कलर का एक ग्रेडियंट देने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं हमारे जो ग्रेडियंट है उसके लिए। तो जैसे मैं सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, आपको इसी टाइप से एक बढ़िया सी सिलेक्शन क्रिएट कर लेनी है। तो सिलेक्शन होने के बाद में आपको क्या करना है, जो ग्रेडियंट टूल है उसका यूज़ करना है, और ग्रेडियंट के अंदर आपको दो कलर का एक ग्रेडियंट क्रिएट करना है, ब्लैक एंड जो रेड टर्बन के अंदर यूज़ किया। तो आपको उसके अंदर एक ग्रेडियंट इफेक्ट ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका टर्बन है वो सिंपल नहीं लगने वाला, उसके अंदर बढ़िया एक ग्रेडियंट इफेक्ट या कह सकते हैं एक हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट हो जाने वाला है रेड लाइट का। तो उसको थोड़ा सा मैं प्रिसाइजली सेट कर देता हूँ जो ग्रेडियंट है उसको भी। तो हमारे जो लोगो है उसका मेन पार्ट डन हो चुका है, मोस्ट ऑफ द लोगो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो गूगल्स रेफरेंस ने पहने हो तो उसके अंदर हमको जस्ट एक शाइन इफेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं वाइट कलर पिकअप करूँगा, और जो लासो एंड जो पेन जो लेजी टूल है उसका यूज़ करके हम जस्ट उसके अंदर एक शाइन वाला इफेक्ट क्रिएट कर देना है। तो इतना होने के बाद जो हमारा लोगो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो MyRed GFX को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें, एंड हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार आप चैनल को ज़रूर विज़िट करना, आपको बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है हमारे चैनल पर भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। So bye bye, this is God Cyber signing out.